मोइन उल हक स्टेडियम में 23 साल के बाद बिहार और मुंबई के बीच जिस तरीके से रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ, लेकिन आपको पता है इन सब चीज़ों में सबसे आकर्षण का केंद्र जो बना था वो है स्टेडियम, क्योंकि स्टेडियम की हालत ऐसी थी कि लोग मजाक उड़ा रहे थे और बिहार की जो खेल की बोल सकते कमेटी है उस पर भी सवाल उठा रहे थे, बिहार सरकार पर भी सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार अगर बिहार में मैच हो रहा है तो बिहार की स्टेडियम का ये हालत क्यों है और अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं आया। बिहार के जो बच्चे हैं वो हमेशा ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था की वजह से पीछे हो जाते हैं। अगर हम स्टेडियम की बात करें तो आप देख सकते हैं हर जगह जो हालत है वो बेहाल है, बैठने की जगह नहीं है। बीते खबरों में भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यहाँ पे जर्जर हालत है, लोग यहाँ बैठ भी नहीं सकते। अगर आपको स्कोर बोर्ड दिखाएंगे तो स्कोर बोर्ड तो टूटा हुआ है, उसमें आप ये भी नहीं देख सकते कि किसको कितने रन मिले हैं कि क्या कुछ हो रहा है मैच में, ये भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सरकार ने अब इस स्टेडियम को बोल सकते हैं इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें अभी हाल ही में बिहार मुंबई के बीच हुए रणजी मैच ने जिस तरीके से स्टेडियम की जर्जरता को दिखाया, उसके बाद जितेंद्र कुमार राय प्रकाश के नए खेल मंत्री बनाया गया है। बता दें कि वो सूबे के पहले खेल मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर उन्हें खेल मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट ने बीते बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। अब प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जितेंद्र कुमार राय अपने पूर्व के विभाग के अलावा खेल विभाग के भी बोल सकते प्रभारी रहे हैं, साथ में हमेशा ही उन्होंने खेल विभाग को देखा है। अब ये जानकारी स्टेडियम में जो प्लेयर्स खेलते हैं और बिहार वासियों के लिए है कि अब इस स्टेडियम को बोल सकते हैं आपकी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते बुधवार को स्टेडियम के पुनः विकास एवं निर्माण कार्य की समीक्षा की। विस्तारित स्टेडियम निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी के साथ ही दो हफ्ते में DPRO कार्य पूरा कर आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब इस स्टेडियम में आपको बताए विश्व स्तरीय स्टेडियम बन जाएगा ये, जिसमें होटल होगा, 5-स्टार होटल होगा, रेस्टोरेंट होंगे, जो पार्किंग की व्यवस्था है वो अच्छा होगा और पटना मेट्रो के साथ साथ अन्य बहुत सारी सुविधाएं होंगी। तो अब इस स्टेडियम का जो बोल सकते हैं छवि है वो बदल जाएगा क्योंकि हालत आप देख सकते हैं। और अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक्शन ले लिया है और उनका कहना है कि अब इस स्टेडियम को जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने यहाँ मैच खेला और जो दर्शक आए थे वो बिहार का मजाक उड़ाते हुए नजर आए, क्योंकि जो हालत है यहाँ की, यहाँ पे नॉर्मल आदमी तो आने नहीं सकता और साथ में तबेले जैसा हालत है, जंगल झाड़ी उगी हुई है, बैठने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है। इस बीच किस तरीके से खिलाड़ी मैच खेलते हैं ये तो बहुत सोचने वाली बात थी, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आ गए और इस स्टेडियम के बोल सकते हैं जिस तरीके का नज़ारा उसको बदलने में लगे। अब यहाँ पे 5-स्टार होटल होगा, रेस्टोरेंट होगे, पटना मेट्रो के साथ अन्य बहुत सारी सुविधाएं होंगी। चलिए बहरहाल मैं नाम स्नेहा गुप्ता और आप IVTV देख रहे, धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।